नमस्कार साथियों स्वागत है सभी लोगों का आज की इस क्लास में साथियों हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जैसा कि आपने ये कोर्स लिया है और इस कोर्स में यदि बात की जाए तो सभी प्रकार के जितने भी टॉपिक हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के उनको शानदार तरीके से कवर किया गया है साथियों इसमें जितना भी जो कंटेंट आपको मिलेगा और जितनी भी क्लासें आपको यहाँ पर दी जाएंगी रिकॉर्डेड क्लासेस साथ में लाइव क्लासे भी

आपको विश्वास करना है और सभी क्लासों को ढंग से पढ़ना है और कोशिश कीजिएगा कि नोट्स भी बना सको इनके क्योंकि हम स्पीड इस इसी प्रकार की रखेंगे ताकि आप साथ साथ नोट्स बना रखो बना सके और उन नोट्स को हमेशा सहेज कर रखना क्योंकि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं और वो आप जैसे ही चार पांच आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे उसके बाद में जब आप बाकी जगहों से तुलना करो करेंगे तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है चलिए साथियों बात करते हैं बिना देर किए भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था पर हम संविधान की भी करेंगे राज व्यवस्था की बात करेंगे लेकिन सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम साथियों किसकी कि संविधान है क्या इसके आज सबसे पहली क्लास में आज इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं अपने कि संविधान है क्या इसकी जरूरत क्यों पड़ती है क्यों आखिर हर देश में उसका अपना एक संविधान होता है फिर बाद में ये भी बात करते हैं कि संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान आलो होता है उनमें फर्क क्या होता है कठोर संविधान क्या होता है लचीला संविधान क्या होता है तो चलिए बात करते हैं तो साथियों यदि बात की जाए संविधान तो सबसे पहले तो देखो मैं इस शब्द को ही थोड़ा सा खोल देता हूं दो शब्दों से मिलकर बनाया है सम प्लस विधान क्या सम शब्द का जो शब्दार्थ है साथियों वो है समानता और विधान शब्द का जो मतलब है वो है विधि या कानून कहीं ना कहीं यहां पर अपने को एक चीज स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि संविधान जो है वो एक विधान है कहीं ना कहीं जो क्या देता है लोगों को समानता देता है बराबरी का हक देता है जैसे ज्वलंत मुद्दे चलते रहते हैं देश में जैसे हिजाब का मामला हो कि किस प्रकार से मुस्लिम धर्म के लोगों को हिजाब पहनने का क्या एक संवैधानिक हक है सभी को है बराबरी का हक है या नहीं है वो सारे मुद्दे हैं जो आगे भी लगातार चर्चा करेंगे दूसरी बात कि यदि बात करें ये जो संविधान शब्द है ये संविधान शब्द किसके द्वारा दिया गया था तो ये संविधान शब्द दिया गया था सर हेनरी मैन के द्वारा कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है सर हेनरी मैन के द्वारा दिया गया बात करें तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है सम प्लस विधान सम का मतलब समानता है और विधि या कानून यानी कि ऐसी विधि ऐसे कानून जो लोगों को क्या देते हो समानता देते हो तो जैसे हम बात करें भारत की तो भारत में सभी लोगों को क्या दी गई है समानता दी गई है चाहे वो विधि के समक्ष समानता दी गई हो चाहे वो नौकरियों में समान अवसर की बात हो चाहे किसी भी जातिगत आधार पर विभेद खत्म करते हुए सभी लोगों को समान माना गया हो कोई जातिगत आधार पर कोई उच्च नहीं है कोई निम्न नहीं है तो ये जो समानता की बात होती है ये जब कानून रूप से किसी किताब में शामिल कर दी जाती है उसी किताब को हम बात करते हैं संविधान की हालांकि ये मैं एक संकीर्ण व्याख्या के रूप में बात कर रहा हूं अभी इसकी व्यापक व्याख्या की बात करेंगे जैसे साथियों बात करें तो कोई भी क्या होता है कि कि देश 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 होता 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 है 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 कोई भी क्या होता है कि देश होता है। इस देश में कौन रहती है? जनता जनता के ऊपर क्या चलाया जाता है शासन और शासन कौन चलाती है सरकार थोड़ा सा शब्दों पे गौर करना और इसको समझने की कोशिश करना कोई भी एक देश होता है देश में कौन रहती है जनता जनता के ऊपर क्या चलाया जाता है शासन और शासन कौन चलाती है सरकार अब साथियों शासन जो सरकार चलाती है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है किसी प्रकार की हो सकती है जैसे मान लीजिए शासन में जो सरकार चला रहा है मान लीजिए राजा राजा शासन चला रहा है यानी कि कैसा तंत्र है राजतंत्र है वहां पर कैसा तंत्र है राजतंत्र सरकार मान लीजिए चला रहा है कौन निर्वाचित निर्वाचित सरकार कैसी है निर्वाचित सरकार है निर्वाचित सरकार जिसको आप कह सकते हो लोकतंत्र इसको आप क्या कह सकते हो लोकतंत्र अब यहां पर गौर कीजिए कि जो राजा होगा ये जो राजा है ये जो शासन चलाएगा वो अपनी मर्जी से शासन चलाए और ये जो लोकतंत्र के आधार पर निर्वाचित सरकार है ये जो शासन चलाएगी वो किसके माध्यम से चलाएगी कानून के माध्यम इसके माध्यम से चलाएगी कानून के माध्यम से यानी कि जो राजा होता है राजतंत्र की बात करें जैसे हम बात करें इस देश में आजादी से पहले दो प्रकार का भारत था एक ब्रिटिश भारत जहां का शासन डायरेक्ट अंग्रेज देखा करते थे और एक देशी रियाती हुआ करती थी और देशी रियासतों का जो शासन था वो राजा महाराजा देखते थे और देशी रियासतों में क्या जनता को समानता थी क्या सभी को बराबरी का हक था क्या वहां कानून नियम के आधार पर शासन चलाया जाता था नहीं वहां जो शासक था वो अपनी मर्जी से शासन करता था यानी कि शासन नहीं था कानून का शासन नहीं था जबकि वर्तमान की बात करें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है यहाँ की जो सरकार है वो जनता सुनती है इस वजह से वो सरकार अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती उसको पता है कि हम अपनी मनमर्जी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इस देश का संविधान है जिसमें वो कानून लिखे हुए उनको रोकेगा वो उन पर रोक लगाएगा कि आपको एक लिमिट में रह के काम करना है आप इस जनता के लिए काम कर रहे हो जनता ने आपको चुना है इसलिए वो जो शासन चलाते हैं वो किसके माध्यम से चलाते हैं कानून के माध्यम से अब इन चीजों को समझने के बाद में कहीं ना कहीं हमारे सामने एक परिभाषा उभर के आती है कि संविधान आखिर कहा किसे जाए तो मैं आपको यहां पर एक डेफिनेशन बता रहा हूं आपको जो कहीं ना कहीं इन चीजों से रिलेटेड है तो कोई भी देश होता है किसी भी देश की किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक कानून एवं नियमों आवश्यक कानून एवं नियमों के संग्रह को उस देश का संविधान कहा जाता है साथियों इधर देखिए आप कि कोई भी देश है उस देश में जनता है जनता के ऊपर शासन कोई ना कोई तो चलाएगा कोई ना कोई तो चलाएगा चाहे वो निर्वाचित सरकार हो चाहे वो तानाशाही सरकार हो चाहे वो किसी राजा की सरकार हो

किसी भी देश की शासन व्यवस्था यानी कि हर देश की शासन व्यवस्था होती है तो सुचारू रूप से एक व्यवस्थित तरीके से तरीके से चलाने के लिए कुछ कुछ आवश्यक बुनियादी कानून और नियमों की जरूरत पड़ेगी और उन्हीं बुनियादी और आवश्यक कानून नियम जब किसी एक जगह इकट्ठे होते हैं जब उनको बांध दिए जाते हैं किसी पुस्तक में किसी किताब में किताब को उस देश का क्या कहा जाता है साथियों संविधान का साथियों यदि बात करें हम भारत के संविधान की जैसे तो अर्थ है और भारत एक देश है और इस भारत देश की अपनी क्या है शासन व्यवस्था है इस भारत की अपनी क्या है शासन व्यवस्था है अब भारत की शासन व्यवस्था की बात करें तो इस भारत की शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा पद सरकार में जो भारत में सबसे बड़ा पद होता है शायद सभी को पता है कौन होता है राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद कौन है राष्ट्रपति और भी बहुत से पद होते हैं इस देश में प्रधानमंत्री भी होता है मंत्री भी होते हैं राज्यपाल भी होता है राज्य मुख्यमंत्री भी होते हैं मंत्री भी होते हैं है, इस देश में अलग अलग जिलों में जिला प्रमुख वगैरह होते हैं राजनीतिक प्रमुखों की बात करें पंचायत समितियों में प्रधान होते हैं यदि ग्राम पंचायतों की बात करें सरपंच होते हैं और एक वार्ड एक छोटी सी वार्ड होती है और इस एक छोटी सी वार्ड में कौन होता है साथियों वार्ड पंच होता है कौन होता है वार्ड पंच होता है तो सबसे बड़ा जो पद होता है वो किसका होता है सबसे बड़ा जो पद होता है वो किसका होता है राष्ट्रपति का होता है जबकि सबसे छोटे पद की बात करें तो सबसे छोटे पद के रूप में किसका पद होता है वार्ड पंच का जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में होता है यानी कि वार्ड एक सबसे छोटी है राष्ट्रपति इस देश का प्रमुख है पूरे देश का शासन अध्यक्ष हो वार्ड पंच एक वार्ड का मुखिया है एक वार्ड जो एक राजनीतिक इकाई की बात करें तो जो सबसे सूक्ष्म इकाई होती है इस देश में तो इस राष्ट्रपति के बारे में और इस वार्ड पंच के बारे में आपको उल्लेख मिलेगा कहा संविधान में यानी कि ये राष्ट्रपति ये राष्ट्रपति क्या करेगा ये राष्ट्रपति क्या करेगा देश का शासन कैसे चलाएगा क्या करेगा ये राष्ट्रपति क्या नहीं करेगा क्या नहीं करेगा क्या नहीं करेगा से मतलब मेरा यह है कि राष्ट्रपति को क्या करना है संविधान बताएगा उसकी लिमिट्स क्या है क्या नहीं करना है कौन बताएगा संविधान बताएगा वार्ड पंच वार्ड पंच क्या करेगा ग्राम पंचायत के क्या कर रहे हैं क्या करेगा यह भी कौन बताएगा संविधान कहने का मतलब इस देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा एक सिस्टम बना रखा है राष्ट्रपति क्या करेगा प्रधानमंत्री क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है हाई कोर्ट का काम क्या है संसद का काम क्या है विधानमंडल का काम क्या है ग्राम पंचायत का काम क्या है पंचायत समिति का काम क्या है जिला परिषद का काम क्या है तो साथियों इस देश का संविधान कहीं ना कहीं केवल एक केंद्र सरकार नहीं चला रही है इस देश का जो शासन है वो एक छोटी सी इकाई से लेके एक बड़ी इकाई तक बना हुआ है और ये जो सारा सिस्टम बना हुआ है ये ढंग से चल सके सुचारू रूप से चला चल सके आपस में टकराव नहीं हो आपस में एक दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं हो ऐसा नहीं हो कि सरपंच काम करे प्रधान का प्रधान काम करे जिला प्रमुख का जिला प्रमुख काम करे मुख्यमंत्री का किसी मंत्री का

यहां तक पढ़ने के बाद में आपको कहीं ना कहीं एक समझ विकसित हो रही होगी आपके दिमाग में आखिर संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है ये होता क्या है अब देखिए हम यहां बार बार चर्चा कर रहे थे कि एक्चुअल में जो शासन चलाने वाली इकाई होती है उस शासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है सरकार अब देखो संविधान पढ़ने से पहले व्यवस्था पढ़ने से पहले हमें सरकार के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि आगे हम बार बार बात करेंगे राज्य सरकार केंद्र सरकार तो इस प्रकार से जब बात करेंगे तो ये सरकार है क्या इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए तो साथियों सरकार की बात करें तो सरकार कितने अंगों से मिलकर बनती है सरकार के तीन अंग होते हैं साथियों कितने अंग होते हैं तीन अंग होते हैं अब वो तीन अंग कौन कौन से होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए सरकार के जो तीन अंग होते हैं उनमें एक अंग होता है विधायिका इस अंग को व्यवस्थापिका भी कहते हैं। सरकार को जो दूसरा अंग होता है वो होता है कार्यपालिका और सरकार का जो तीसरा अंग होता है वो होता है न्यायपालिका तो सरकार के कितने अंग होते हैं तीन अंग होते हैं विधायिका या व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका समझना है इनको देखो किस सरकार की कार्यप्रणाली समझ में आएगी हमें यहां से अब देखो अभी हमने बात की कि, कि किसी भी देश का एक संविधान होता है संविधान की जरूरत क्यों पड़ती इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं क्योंकि उस देश को शासन चलाना है भारत देश को अपना शासन चलाना है और भारत देश को अपना शासन चलाना है तो शासन चलाने के लिए कुछ आधारभूत कानून और नियम भी होने चाहिए हमें ये संस्था चलानी है तो इस संस्था के हमारे कुछ आधारभूत कानून और नियम है तो हम कह सकते हैं ये हमारे इस संस्था का संविधान है इस देश को चलाने के लिए बहुत सारे कानून नियमों की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए काफी सारे कानून नियम होने चाहिए और वो उस देश के कानून नियम ही उस देश के क्या होंगे संविधान का रूप लेंगे तो किसी भी देश के लिए कानून नियम आवश्यक हो जाते हैं यदि विधि का शासन होगा तो और उसी प्रकार से सरकार की देखो यहां पर भूमिका क्या है विधायिका या व्यवस्था की बात कर व्यवस्थापिका की बात करें तो विधायिका या व्यवस्थापिका क्या होती है तो सरकार का वह अंग तो, कानून एवं नियमों का निर्माण करता तो सरकार का वह अंग जो कानून और नियमों का क्या करता है निर्माण करता है कहने का मतलब नाम से ही देखिए विधायिका विधायिका मतलब विधि शब्द से बना है जिसका काम है विधिया कानून बनाना तो सरकार का वह अंग जो विधिया कानूनों का क्या करता है निर्माण करता है जैसे साथियों हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो संसद विधानमंडल ये क्या है ये विधायिका है जैसे आपसे बात कर ली जाए भारत की विधायिका कौन है संसद पूरे देश के लिए किसी कानून की जरूरत पड़ेगी जैसे कृषि कानून काफी बड़ा मुद्दा रहा था संसद के द्वारा बनाएगी हालांकि वापस ले लिए गए उनको लेकिन वो बनाए किसने इस देश के लिए संसद ने विधानमंडल राज्यों में होते हैं यदि जैसे राज्य में किसी कानून की जरूरत पड़ेगी उस राज्य विशेष के लिए कौन बनाएगा उस राज्य का विधानमंडल बहुत से राज्यों में विधानसभा जैसे दो अंग नहीं है यदि विधान मंडल मंडल के तो तो अक्सर का दिया जाता है जैसे राजस्थान विधानसभा विधान तो राज्य के लिए कानून बनाता है और संसद केंद्र के लिए कानून बनाती है केंद्र सरकार के लिए क्योंकि सरकार केंद्र में भी होती है सरकार राज्य में भी होती है बात करें कि इसकी कार्यपालिका नाम से देखिए कार्य का पालन करना यदि कार्यपालिका की बात करें तो सरकार का वह अंग कानूनों को लागू करता है तो सरकार का वह अंग जो कानूनों को क्या करता है साथियों लागू करता है कार्यपालिका की बात करें साथियों तो यह शब्द ध्यान रखना है कानूनों को लागू विधायिका का काम है कानून बनाना लागू करने के लिए विधायिका नहीं जाएगी लागू करने के लिए कौन होगी कार्यपालिका जैसे कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका एक स्थायी कार्यपालिका होती है और एक होती है अस्थाई कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका और नामात्रिक कार्यपालिका भी होती है वो आगे बात करेंगे हम लेकिन यहां अपने को ध्यान रखना है स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका जैसे स्थायी कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका की बात की जाए यहां पर तो कार्यपालिका में एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए मंत्री और स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही आप सभी लोग सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे हो आप किस कार्यपालिका का हिस्सा बनने जा रहे हो स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही किस में आती है नौकरशाही का मतलब सभी प्रकार के जो समस्त कर, सरकारी कर्मचारी हैं, तो कार्यपालिका यानी कि काम वो भी करेंगे सरकार ने कोई कानून नियम बनाया है तो कार्यपालिका की भी जिम्मेदारी है उन कानून नियमों को क्या करना लागू करना उनका इंप्लीमेंटेशन करना ये किसका काम है कार्यपालिका का विधायिका का काम है कानूनों का निर्माण करना इस देश को चलाया जाएगा विधि विधि और और कानूनों कानूनों के के माध्यम से तो चलाने के लिए जो कानूनों की जरूरत पड़ेगी वो कौन बनाएगा संसद बनाएगी उनको लागू कौन करेगा कार्यपालिका करेगी और कार्यपालिका जैसे मंत्री हैं तो आपको पता है जैसे भारत में अलग अलग मंत्रालय के आधार पर, पर पोर्टफोलियो सिस्टम है गृह मंत्रालय होता है कृषि मंत्रालय होता है कानून मंत्रालय होता है शिक्षा मंत्रालय होता है रक्षा मंत्रालय होता है तो मान लीजिए कोई कानून है रक्षा मंत्रालय से संबंधित है तो रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है उसको लागू कराना और रक्षा मंत्रालय में बहुत सारे सरकारी कर्मचारी भी काम करते हैं तो सब मिलकर उसको क्या देंगे अंजाम देंगे साथियों देश का शासन ऐसे ही चलता है तो कार्यपालिका दो प्रकार की होती है स्थायी और अस्थायी मंत्री वगैरह होते हैं क्योंकि वो स्थायी नहीं होते हैं साथियों टेम्प्रेरी होते हैं पांच साल भी रह जाए दो साल भी रह जाए एक साल में बैठाते दें लेकिन स्थायी कार्यपालिका की जो नौकरशाही है तो मंत्री बदल जाएंगे सरकार बदल जाएगी लेकिन स्थायी कार्यपालिका कोई रहेगी जब तक कि आप अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी नहीं कर लेते हो या आप अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं देते हो या फिर ऐसा कोई कार्य कर दिया हो कोई ऐसा कांड कर दिया हो भ्रष्टाचार आदि कोई भी ऐसा मुद्दा कि जबरदस्ती आपको हटाया जाए अकॉर्डिंग टू लॉ कानून के नियम के अनुसार ऐसा नहीं कि उसमें मर्जी से हटा दिया जाएगा तो कार्यपालिका जो है वो सरकार का वह अंग है जो अंगून क्या करता है लागू करता है उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ रही होंगी तीसरा जो अंग होता है साथियों वो होता है न्यायपालिका न्यायपालिका की बात की जाए तो इसका काम क्या का होगा न्यायपालिका का कार्य होगा विधि एवं कानूनों का संरक्षण करना विधि एवं कानूनों का संरक्षण करना जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें सुप्रीम तो कोर्ट हाई कोर्ट तो ये क्या है विधायिका कहने का मतलब ये है साथियों कि यदि यदि कानून टूटा है यदि कानून टूटा है तो कहीं ना कहीं जिसने कानून तोड़ा है उस कानून को तोड़ने की जो उपयुक्त सजा है वो कौन देगी न्यायपालिका तो सरकार अपने आप में साथियों कोई एक अंग नहीं है सरकार के तीन अंग है। और कोई सा भी अंग यदि फेलियर हो जाता है कोई भी अंग हो जाता है, तो सरकार नहीं चल सकती है क्योंकि समय समय पर नए कानूनों की जरूरत पड़ती है संविधान एक ऐसा विषय है साथियों लगातार कुछ ना कुछ अपडेशन होता रहता है हमारे भारत के संविधान में आज तक की जो क्लास जो मैं ले रहा हूं तब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं तो क्या संविधान वही है जो छब्बीस जनवरी उन्नीस को बना था क्या उसमें कुछ जोड़ा नहीं गया क्या कुछ हटाया नहीं गया नहीं जोड़ा भी गया है हटा भी गया हटाया भी गया है समय समय पर उसमें संशोधन हुए हैं क्योंकि समय की जरूरत होती है समय के साथ बहुत से बदलाव होते हैं नए विधि और कानूनों की जरूरत पड़ती है उसी के अकॉर्डिंग कोई कानून बनाए तो वो कौन बनाए तो सरकार का कोई अंग ऐसा होना चाहिए जो समय की जरूरत के अनुसार नए कानून बना सके रूप कौन होता है विधायिका होता है सरकार का कोई अंग ऐसा होना चाहिए जो समय की जरूरत के अनुसार उन कानूनों को लागू करे यानी कि विधायिका ने बना दिया तो विधायिका थोड़ी लागू करने के लिए जाएगी कार्यपालिका का काम होगा और कार्यपालिका उन कानूनों को क्या करेगी लागू करेगी कार्यपालिका की बात करें तो स्थायी भी होती है अस्थायी भी होती है नाममात्र की होती है वास्तविक होती है जैसे नाममात्र राष्ट्रपति जैसे वास्तविक प्रधानमंत्री आगे बात करेंगे उन मुद्दों पर फिर न्यायपालिका की बात करें तो विधि और जो कानून है उनका संरक्षण करना है उनकी सुरक्षा करना है कानून किसी ने तोड़ा है क्योंकि यदि न्यायपालिका नहीं होगी तो कानूनों को मानेगा कौन साथियों न्यायपालिका है इसीलिए लोगों के मन में डर है लोग सोचते हैं यदि मैं इस कानून का पालन नहीं करूंगा तो क्या मिलेगी सजा मिलेगी तो कोई सा भी अंग यदि नहीं होगा तो हम सरकार की कल्पना नहीं कर सकते साथियों तो ये तीन अंग इन तीन स्तंभों पर टिकी हुई है सरकार एक चीज यहां पे नोट करेगा कि सरकार का चौथा स्तंभ सरकार का चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है तो सरकार का चौथा स्तंभ कहा जाता है साथियों किसको प्रेस या मीडिया को तो कई बार यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सरकार का चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है प्रेस यानी मीडिया क्यों क्योंकि साथियों यह भी कहीं ना कहीं सरकार में अपनी एक भूमिका अदा करता है आपकी कोई समस्या है तो सरकार तक कौन पूछाता है प्रेस या मीडिया तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में लोकतंत्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और उस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए उस सरकार के तीन स्तंभों को मजबूत बनाने के लिए चौथे स्तंभ का होना बहुत जरूरी है क्योंकि चौथा स्तंभ नहीं होगा तो हर जो क्योंकि विधायिका पर भी द, ये कहीं ना कहीं मुद्दे पहुंचाता है कृषि कानूनों का विरोध हुआ तो विरोध हुआ किसानों की समस्याएं क्या थी क्यों विरोध कर रहे थे इसके सरकार के पास किसने पहुंचाया प्रेस या मीडिया ने तो चार तो तो नहीं करने हैं चौथा स्तंभ कहते हैं किसको है प्रेस या मीडिया को लेकिन पूछा जाए कितने अंग होते हैं तो तीन ही होते हैं कितने स्तंभ होते हैं तीन होते हैं विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका साथियों यदि बात करें हम बात करें थे संविधान और सरकार को यहां समझना बहुत जरूरी था क्योंकि आगे जगह जगह ये बातें हम करेंगे दूसरा कि जो संविधान होता है ये संविधान कहीं ना कहीं जनता और सरकार तो जनता और सरकार के मध्य जो संबंध होता है इस संबंध की व्याख्या भी कौन करता है संविधान करता है साथी? जनता और सरकार के मध्य जैसे हम मूल अधिकार पड़ेंगे तो आपको अवसर की समानता सुनिश्चित की जाएगी कौन करेगा सरकार करेगी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा साफ़ कहा है आर्टिकल 15, क्लोज वन कि सरकार धर्म हो चाहे लिंग हो जाति हो मूलवंश हो जन्म स्थान हो इनके आधार पर राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता तो राज्य यानी कि सरकार और जनता इनके बीच में संबंधों की जो स्थापना करता है जो व्याख्या करता है वो कौन करता है साथियों संविधान संविधान की बात करें तो संविधान सरकार को शासन चलाने की शक्ति देता है सरकार को शासन चलाने की शक्ति देता है कौन देता है संविधान देता है बात की है हमने साथियों कि राष्ट्रपति क्या करेगा कौन बताएगा संविधान संसद क्या करेगी कहां लिखा हुआ है संविधान में प्रधानमंत्री क्या करेगा मुख्यमंत्री क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी हाई कोर्ट क्या करेगा जिला न्यायालय क्या करेंगे विधानसभा क्या करेगी जिला परिषद क्या करेगी पंचायत समिति क्या करेगी ग्राम पंचायत क्या करेगी कहां लिखा हुआ है संविधान तो सरकार को क्या देता है शासन चलाने की शक्ति देता है बात करें संविधान की तो जनता जनता के हित एवं अधिकार जनता के हित एवं अधिकारों का क्या करता है साथियों संरक्षण करता है आपको घूमने की आजादी है आपको निवास करने की आजादी है बोलने की आजादी है आपको धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 फाइव आजकल मुद्दा चर्चा में भी है कर्नाटक में जो मामला हुआ हिजाब को लेकर तो ये जो आजादी आपको मिली है हालांकि कुछ सीमाओं तक इन पर प्रतिबंध भी लगाया गया है वो मूल अधिकारों में बात करेंगे हम लेकिन आपके हितों का संरक्षण भी किया गया है और वो संरक्षण किसके द्वारा किया गया है संविधान के द्वारा किया गया है साथियों तो संविधान सरकार को शासन चलाने की शक्ति देता है जनता के हित एवं अधिकारों का संरक्षण करता है और जनता और सरकार के मध्य संबंधों की स्थापना करता है ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है ये तो हमने बात की कि संविधान क्या होता है इसका एक सामान्य परिचय देखा है यहाँ पर कि कहते किसको है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और कहीं ना कहीं संविधान के माध्यम से जो शासन चलाती है जिसको सरकार कहते हैं हालांकि सरकार किसी भी प्रकार की हो सकती है मनमर्जी वाली भी हो सकती है लेकिन वो सरकार कभी भी संविधान के माध्यम से शासन नहीं चलाएगी संविधान के माध्यम से चलाने वाली सरकार कैसी होगी लोकतांत्रिक होगी जैसा कि इस भारत देश में है अब इस भारत देश के संविधान की बात करें आगे भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर लेकिन भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में कौन से कानून लिखे हुए हैं ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा किस देश का शासन चलाने के लिए जिन आवश्यक कानून और नियमों की जरूरत पड़ी है वो ही कानून और नियम इस संविधान में लिखे हुए हैं चाहे वो जनता के हितों को लेकर हो तो क्योंकि कहीं ना कहीं शासन चलाने में जनता के हित भी देखे जाते हैं चाहे वो सरकार को उसके मार्गदर्शन की भूमिका तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि संविधान सरकार का क्या करता है मार्गदर्शन भी करता है उसको रास्ता दिखाता है कि उसको किस रास्ते से चढ़ना है अब यदि बात की जाए कि संविधान की शुरुआत कहां से मानी जाती है संविधान का जन्म तो संविधान का जन्म या संविधान की शुरुआत तो संविधान की शुरुआत मानी जाती है साथियों से इंग्लैंड से और कहा जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किस देश का संविधान है इंग्लैंड का संविधान है, लेकिन यहां ये बात भी ध्यान रखनी है कि इंग्लैंड का संविधान कैसा संविधान है अलिखित इंग्लैंड का संविधान कैसा संविधान है अलिखित संविधान है यह बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है बहुत बार यह प्रश्न पूछा भी जाता है अलिखित संविधान है इंग्लैंड का और विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान है विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान किसका है इंग्लैंड का है एक्चुअल में ये अलिखित संविधान है यानी कि इसकी बहुत सी बातें आज भी लिखी हुई नहीं है हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इसके सभी चीजें लिखी हुई नहीं है बहुत सी चीजें इसमें लिखी भी हुई होती है लेकिन वो स्थायी नहीं होती समय के साथ इसमें बदलाव बहुत ज्यादा है इसमें बहुत ज्यादा समय के साथ बदलाव हुए हैं जैसे बात करें तो इंग्लैंड के संविधान को विश्व का सबसे लचीला संविधान भी कहते हैं विश्व का सबसे लचीला या नम्य संविधान अब लचीला या नम्य संविधान क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है इसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान है इसीलिए इंग्लैंड के संविधान को विश्व का सबसे लचीला सबसे नम्बे संविधान कहते हैं इंग्लैंड की संसद जब चाहे इसमें बदलाव कर सकती है जब चाहे परिवर्तन कर सकती है इसी वजह से इंग्लैंड के संविधान को विश्व का सबसे लचीला या नम्बे संविधान भी कहा जाता है यदि बात करें हम अमेरिका का संविधान तो साथियों अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका का जो संविधान है ये बनकर तैयार हुआ था सत्रह और इसको अमेरिका के संविधान को लागू किया गया था 4 मार्च सत्रह 4 मार्च सत्रह और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये विश्व का ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान था अमेरिका का संविधान विश्व का क्या था प्रथम लिखित संविधान तो ध्यान रखिएगा विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश के संविधान को कहा जाता है अमेरिका के संविधान को कहा जाता है क्योंकि है ये अमेरिका का संविधान जबकि विश्व में पहली बार संविधान यदि किसी देश में होने का श्रेय दिया जाता है तो किसको दिया जाता है इंग्लैंड को विश्व का सबसे प्राचीन संविधान लेकिन वो अलिखित संविधान है साथियों सबसे लचीला भी है क्योंकि उसमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान होती है समय के साथ उसमें बदलाव बहुत ज्यादा होते हैं और इसी वजह से वो सबसे लचीला है जबकि अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ था सत्रह सो में और लागू हुआ सत्रह सो नवासी में अमेरिका के संविधान के निर्माणकर्ता निर्माणकर्ता की बात की जाए तो निर्माणकर्ता के रूप में जो श्रेय दिया जाता है जैसे भारत में भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है तो यहां पे किसको दिया जाता है मेडिसिन को किसको दिया जाता है मेडिसिन को और इन्हीं मेडिसिन को विश्व में आधुनिक संविधान का जन्मदाता कहते हैं विश्व में आधुनिक संविधान का जन्मदाता विश्व में आधुनिक संविधान का क्या कहा जाता है इनको जन्मदाता कहा जाता है किसको कहा जाता है मेडिसिन को कहा जाता है और क्यों क्योंकि आधुनिक संविधान लिखित संविधान को कहा जाता है और विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है अमेरिका देश का है और यहां पे यह बात भी बड़ी दिलचस्प और रोचक है जो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका का जो संविधान है अमेरिका का संविधान है विश्व का सबसे कठोर विश्व का सबसे कठोर संविधान भी है अब कठोर संविधान क्यों है यह आप समझ गए होंगे क्योंकि इसमें इस परिवर्तन करना यानी कि इसमें संशोधन करना या संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है कठोर है यानी कि इसमें संशोधन करना इतना आसान है? नहीं है अब तक बात करें अब तक बात करें तो इसमें अब तक केवल सत्ताईस बार संशोधन हुआ है अमेरिका के संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है सत्ताईस बार संशोधन हुआ है भारत के संविधान अमेरिका के संविधान लागू हुआ था सत्रह में आप देख लीजिए कितना पुराना संविधान है 1789 में लगभग गए लगभग 233 साल हो गए और भारत के संविधान की बात करें साथियों तो हाल ही में बात में गणतंत्र दिवस मनाया गया था और भारत के संविधान को लागू हुए लगभग तेतर साल हुए हैं और तेतर साल के दौरान 105 संशोधन हो चुके हैं इंग्लैंड के संविधान में संशोधनों की गिनती ही नहीं है सबसे लचीला है तो अमेरिका के संविधान में अब तक केवल सत्ताईस बार संशोधन हुआ है जो बहुत ही कम है समय के साथ देखा जाए क्यों क्योंकि इसके संविधान में संशोधन करना कठोर है और इसीलिए सबसे कठोर संविधान भी कहा जाता है और अमेरिका के संविधान को अमेरिका के संविधान को सबसे छोटा संविधान भी माना जाता है अमेरिका के संविधान को सबसे छोटा संविधान भी माना जाता है इसमें केवल केवल कितने अनुच्छेद हैं सात अनुच्छेद अमेरिका के संविधान में कितने हैं केवल सात अनुच्छेद हैं इसलिए इसके संविधान को सबसे छोटा संविधान भी माना जाता है तो ध्यान रखिएगा कि विश्व का पहला प्राचीन संविधान माना जाता है इंग्लैंड का पहला लिखित संविधान माना जाता है अमेरिका का विश्व का सबसे लचीला संविधान है किसका इंग्लैंड का और सबसे कठोर संविधान है अमेरिका का यदि बात करें हम भारत के संविधान की यदि हम बात करें भारत के संविधान की तो भारत का संविधान विश्व का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है साथियों इसमें वर्तमान की स्थिति की बात करें तो बारह क्या है अनुसूचियां हैं इसमें पच्चीस क्या है भाग हालांकि मुख्य भाग बाईस ही रहेंगे कुल भाग पच्चीस और अनुच्छेद अनुच्छेद की बात करें वर्तमान में तो लगभग चार सौ पैंसठ अनुच्छेद है चार सौ पैंसठ हालांकि मुख्य अनुच्छेद वही रहेंगे तीन सौ पिचानवे कुल की बात हो रही है और कुल भाग है पच्चीस और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी बारह तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारतीय संविधान के नेचर प्रकृति की बात करें तो यह न तो अधिक कठोर है तो अधिक कठोर है न ही अधिक लचीला है न ही अधिक लचीला है कहने का मतलब यह है कि भारत के संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना बहुत ही आसान है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें संशोधन करने की प्रक्रिया काफी कठोर रखी गई है हालांकि आगे हम बात भी करेंगे जब हम भारतीय संविधान की विशेषताओं वाला बिंदु पढ़ेंगे तो उनमें इन चीजों पर सब पे डिस्कस करेंगे इसलिए मैं यहां ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं आपको कि भारत का संविधान कहीं ना कहीं मिक्सअप है यानी कि न तो पूर्ण रूप से इंग्लैंड की तरफ झुकाव है न पूर्ण रूप से अमेरिका की तरफ झुकाव है कहीं ना कहीं एक सामंजस्य एक बीच का रास्ता अपनाया गया है कि बहुत से ऐसी चीजें जो आगे प्रभाव डाल सकती हैं जिसके द्वारा सरकार अपनी कोई मनमर्जी ना चला सके केंद्र की सरकार राज्यों के हित भी देखे गए हैं ऐसे प्रावधानों को थोड़ा कठोर रखा गया है और कुछ ऐसे प्रावधान जो समय के साथ बदलने की बहुत बार आवश्यकता पड़ती है ऐसे प्रावधानों में संशोधन करना थोड़ा आसान रखा गया है जो हम बात करेंगे जब आर्टिकल 368 की बात करेंगे तीन की जिसमें संविधान संशोधन वाला मुद्दा पड़ेंगे किस प्रकार से संशोधन की प्रक्रिया होती है किस प्रकार से होता है तो वो चीज भी देखेंगे तो भारतीय संविधान की बात करें तो न तो अधिक कठोर है और न ही अधिक क्या है लचीला है तो साथियों इस प्रकार का नेचर है भारतीय संविधान का तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो संविधान का एक सामान्य परिचय जो आज हमने पढ़ा है वो आपको पसंद आया होगा साथियों अब उसके बाद में हम टॉपिक वाइज संविधान को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और साथ में हम व्यवस्था को भी लेकर चलेंगे तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में धन्यवाद